नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परम जॉय गुहा ठाकुर का, और आज मेरे साथ चंडीगढ़ से जोड़ रहे हैं श्री अजय वीर जाखड़, जो भारत कृषक समाज का अध्यक्ष है और पंजाब राज्य में फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स वेलफेयर कमीशन, यानी कि कृषक और जो जो कृषि क्षेत्र में जो मजदूर है उनके हित के लिए जो संस्था बना है पंजाब सरकार का, उनके भी अध्यक्ष है। अजय जी, धन्यवाद आपके साथ। मैं 2.5 महीना के बाद दोबारा मैं बातचीत कर रहा हूं, और इस बीच में हम देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर भारत के अलग अलग जगह में किसान अत्यंत नाराज है, अस्थिरता हम देख रहे हैं। 10 सितंबर जो चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 22, 4 घंटे के लिए सड़क बंद कर दिया, वो पीपली चौक में, कुरुक्षेत्र में। वहां पे बीकेयू, भारत कृषि किसान यूनियन के लोगों ने बोला किसान बचाओ, मंडी बचाओ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और क्या विरोध कर रहे हैं। एक तो है जिस तरह से उनका कहना है कि सरकार जो MSP है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, ये कह रहे हैं अब हटा रहे हैं, और पूरा जो मंडी का जो व्यवस्था है, मंडी सिस्टम, जो कृषक लोग आरोप है इनकी कि आप इनको एकदम कमजोर कर दिया, तो इसमें राजनीति भी आ गया। मगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आज क्यों इतना अस्थिरता हम देख रहे हैं भारतवर्ष के किसानों के बीच। ये जो जून महीना का 5 तारीख जो केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाए हैं, केंद्र सरकार ने कहा ये देश के हित में है, किसान लोग के हित में है, फिर भी लोग क्यों इतने नाराज हैं। परंजा जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि सरकार 3 अध्यादेश लाई है किसानों की मदद करने के लिए, और किसान इससे असहमत हैं, और ये बात सरकार के समझ में है। दूसरी बात है कि किसानों की आशंकाएं क्या हैं आज के दिन इन 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 अध्यादेशों से। तो मैं उसका उदाहरण देता हूं कि सरकार, लोग समझते हैं कि ये अध्यादेश आने से जो हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, यूपी में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान की या कनक की, गेहूं की जो प्रिक्योरमेंट होती है उसको रोक दिया जाएगा, या उनको ये आशंका है कि ये एक अनलिमिटेड प्रिक्योरमेंट जो थी उसको बंद कर दिया जाएगा। और ये आशंकाएं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके मंत्री, उनके संतरी उनको नहीं मिटा पाए हैं। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, बीजेपी के एलाइज ने बोला है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी, परंतु किसान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि रहेगी तो हम भी समझते हैं रहेगी, पर किस फॉर्म में रहेगी हमें आप ये बताओ। क्या आप उसकी अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट बंद कर देंगे, क्या आप MSP बढ़ानी बंद कर देंगे, या क्या आप शर्तें लगाएंगे उसके बारे में। सो ये सब आशंकाएं सरकार नहीं मिटा पाई है, और उनकी ये जो स्टेटमेंट बार बार ये दे रहे हैं कि MSP रहेगी, उससे और लोगों को घबराहट होने लग गई है। अजय जी, हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार, आपने पहले भी कहा था, ये जो अध्यादेश लाए थे, सरकार कह रहे मैं राज्य सरकार का अनुमति लिया, मगर बहुत सारे राज्य सरकार कह रहे हमारे से बातचीत भी नहीं हुई, अनुमति के बाद तो भूल ही जाइए। तो अचानक आपने एक अध्यादेश लाया है, आपका कोई संसद के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, आप कह रहे एक तरह से आप संघी ढांचा में विश्वास करते हैं, आप भारतवर्ष का संविधान में जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, जो जो सहकारी एक एक सद्भाव है, मगर राज्य सरकार, और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य सरकार छोड़ के कह रहा हूं, बाकी सारे राज्य सरकार अत्यंत नाखुश है। और एक समय आप कह रहे थे सर कि कानूनी तरह से यह अध्यादेश को भी शायद हमारे सबसे उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, तो ये आप कानून व्यवस्था में समझा दीजिए, क्योंकि ये जो कृषि ये विषय है हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समिति सूची में है, मगर ये है कृषि उत्पादन, मगर जो जो व्यापार का बात होता है इसमें तो केंद्र सरकार तो आ ही जाता है।
पहली बात, किसान समझते हैं कि जो कानून, और सरकार भी ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो केंद्र सरकार उनको कहेगी। लोगों का और राज्यों का मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पे उनका ट्रस्ट खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है, और इसीलिए उनको न्याय मिलने की ऐसा लगता नहीं है कि वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। और आप ये भी समझें कि पंजाब सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने, नॉट सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने ये प्रस्ताव पास किया है कि तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं। पंजाब ऐसी सरकार है जिसने ये अध्यादेश पास किया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें MSP की गारंटी दी जाए, ये पंजाब विधानसभा ने पास करके दिया है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो एलाइज हैं, जैसे जैसे हरियाणा में, पंजाब में, अलग राज्यों में, वो भी इस अध्यादेश से खुश नहीं है, परंतु उनमें बोलने की आज के दिन हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ। और क्योंकि आप देखें, जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो इतने सालों से जो वोट बैंक है वो 1 अरब वोट बैंक है, और बीजेपी के एलाइज का जो वोट बैंक है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे चौटाला साहब की पार्टी हो, ये सब रूरल वोट बैंक है, तो उनका भी वोट बैंक जो है वो हिट हो रहा है। जो आढ़तियों की इनकम है, जो आढ़तियों को कमीशन मिलती थी इन राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसी से, उसको भी खतरा है। तो मेरा मतलब कि एक बहुत विचित्र स्थिति है, जबकि बीजेपी के एलाइज भी उन इस कानून से खुश नहीं है, पर वो दबाव में है, वो बोल नहीं रहे हैं, और जो विपक्ष है वो तो बोल ही रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब विधानसभा में श्रोमणी अकाली दल, हरियाणा विधानसभा में आपका दुष्यंत चौटाला का जो राजनीतिक दल, इन सब लोग नाखुश हैं, तो फिर केंद्र सरकार, ये जो NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, ये जो गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल, इनके बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ये तो इन पार्टियों के जो नेता हैं वही बता सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इन पार्टियों के जो समर्थक हैं, जो किसान समर्थक इतने 10-20-50 साल से थे, जो लाल जी के जुड़े थे, जो प्रकाश सिंह बादल साहब के साथ जुड़े हुए थे, वो समर्थक जो पुश्तों से समर्थक थे इन पार्टियों के, वो आज महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ एक बिट्रेयल हो गया है, उनके साथ एक धोखा हो गया है। और मैं समझता हूं कि जो इन पार्टियों की जो लीडरशिप है, जो नई लीडरशिप है, ये उनका दायित्व है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक उनके वर्करों की, उनके किसानों की, जिनके वोटों से ये बने, ये बात पहुंचाएं। और ये भी माना जा रहा है कि इस लोकसभा के स्तर जो अभी आने वाला है, लोकसभा जो सेशन चालू होने वाला है, ये तीनों ऑर्डिनेंस उस लोकसभा में लेके आए जाएंगे। और परंजॉय जी, सरकार ने ये अध्यादेश लाने से पहले विचार विमर्श नहीं किया किसान संस्थाओं से, स्टेट से, वो एक हकीकत है, परंतु ये अध्यादेश अनाउंस होने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करी है। संजय अग्रवाल जी जो सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बहुत कंसल्टेशन करी है अध्यादेश आने के बाद। तो मैं समझता हूं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि क्या क्या किसान संस्थाओं की, स्टेट्स की, इस अध्यादेश से क्या क्या उनके नाराजगी है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो जब पार्लियामेंट में ये अध्यादेश आएगा, उसमें जो जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स होने चाहिए, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उनको लेके आएगा पार्लियामेंट में, ये उम्मीद ही कर सकते हैं हम। अब क्या लेके आएगा वो तो जब पार्लियामेंट में कानून पेश होएगा तभी पता चलेगा। आपका जो लेख इंडियन एक्सप्रेस में 9 सितंबर में आए हैं, उसमें आपने खुद लिखा है कि MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम एक समर्थन जो मूल्य है, ये एक तरह से मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो बिक्री का जो मूल्य है ये क्यों? मैं समझता हूं कि केवल बीजेपी सरकार की नहीं, मैं समझता हूं कि उससे पहले UPA सरकार का भी इन्फ्लेशन को टारगेट करने का एक पॉलिसी थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, और मैं भी समझता हूं रखना चाहिए कंट्रोल में, परंतु बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बेसिकली अर्बन क्लास वोट बैंक है, उनको फूड इन्फ्लेशन से बहुत भड़क जाते हैं वो, और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमतें हैं उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमत आप देखेंगे कि MSP से अधिकतर, मेरा मतलब 80-90% कीमतें MSP से नीचे ही रहती हैं पूरे साल। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की पॉलिसी अब ये नहीं है कि कम से कम सरकार को मिनिमम, लोगों को, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, सरकार की नीति है कि मैक्सिमम, इससे ज्यादा सपोर्ट प्राइस दें। अगर कीमतें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर बढ़ती हैं तो वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट करेंगे और कीमतों को नीचे लाएंगे। आपके लेख में भी ये आपने उदाहरण दिया, और हम जो पहले भी जब
26 जून बातचीत किया, ये भी आपने कहा कि ये सिर्फ कृषि मंत्रालय का काम नहीं, आपका जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का है। आपने एक उदाहरण दिया कि हमारे देश में 75% लोग जब दाल खाते हैं, या चना का दाल या अरहर का दाल, फिर भी भारत सरकार ने जो कस्टम्स ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, ये आपका मसूर दाल के ऊपर जबरदस्त कम कर दिया, 46% से भी ज्यादा, एकदम गिर के 10% हो गया। तो आप अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो मसूर दाल के ऊपर जो सीमा शुल्क है इतना कम कर देंगे, तो ये क्या फायदा होगा किसान को? किसान को नुकसान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो सरकार समझती है, जो सरकार की नीयत गलत नहीं है, सरकार समझती है सरकार की ऑब्जेक्टिव अलग है, मेरा मतलब उनकी उनकी मंजिल अलग है, किसानों की मंजिल अलग है। सरकार समझती है कि हमने मसूर दाल की इंपोर्ट के बाद इतना इंपोर्ट किया, इस तरीके से इंपोर्ट किया कि उसकी कीमतें गिरी नहीं। हम किसान कहते हैं कि अगर आप इंपोर्ट नहीं करते तो हमारी कीमतें बढ़ जाती और हमें फायदा होता। ये सोच में, ये विचार में अंतर है इन चीजों का। तो इन द सेंस कि सरकार के ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फार्मर्स के ऑब्जेक्टिव है फार्म गेट प्राइसेस हमें ज्यादा मिले, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो कंज्यूमर पे कर रहा है शहर में उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़े, मेरा मतलब फार्म गेट प्राइसेस इंक्रीज हो और कंज्यूमर की जो कॉस्ट है उसके खाने की, उसमें जो शेयर कंपोनेंट है फार्मर्स का, वो इंक्रीज हो। अच्छा, इसमें एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है। आपका लेख में आपने कहा कि जो लॉकडाउन के समय जो आपका धान के ऊपर, पैडी के ऊपर जो MSP है, ये इन्होंने बढ़ा दिया 2.9%, 3% से भी कम। मगर जो सलाह मिला था सरकार को CACP में, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो सरकारी संस्था है जो कृषि क्षेत्र का जो क्या खर्चा हो रहा है, क्या मूल्य होना चाहिए, उन्होंने कहा था ये 5% से भी ज्यादा होना चाहिए, 5.1%। और आपके लेख में कहा जब चुनाव के पहले सरकार और कुछ करते हैं, चुनाव के बाद और कुछ करते हैं, 2018 में चुनाव का पहले पैडी के जो MSP है आप 12.9% बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 13% 13% के आसपास आपने बढ़ा दिया। फिर आपने चुनाव जीत किया 2019 में, तो फिर आप 3.7% आ गया। और 2020 में जब आप ये जो लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रहा है, आर्थिक संकट के समय आपने 3% भी बढ़ाने के लिए तैयार की। तो ये केंद्र सरकार का जो मंशा है, जो उनका जो दृष्टिकोण, कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए है, ना कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। परंतु जब गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग साइलो में काम करती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करती हैं, तो उसका जो नुकसान होता है वो ये नुकसान होता है कि सबकी अलग अलग चाल है और उसमें फार्मर पिसे जा रहा है, उसमें घटे जा रहा है उसका। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला MSP को नहीं बढ़ने देंगे, MSP को नहीं बढ़ने देंगे तो किसानों को उससे नुकसान होता है। मैं यही बार बार कह रहा हूँ और हम भारत कृषक समाज कई सालों से ये कह रहा है, UPA 2 के समय से हम ये कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है जिसको RBI भी कंट्रोल करना चाहता है, इसका फार्मर्स को इसका एक टूल नहीं बनाना चाहिए, हमें एक पुर्जा नहीं बनाना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी हक है कि हमारी फसल का हमें अच्छा दाम मिले, और हम नहीं चाहते कि कंज्यूमर्स को नुकसान हो। पर और तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए जा सकते हैं बैंक लोन वेवर के, देयर अदर मींस दैट द गवर्नमेंट हैज, बट दे डू नॉट वांट टू एम्प्लॉय अदर मींस। अजय जी, आपका लेख में आपने कहा हमारे राजनेता है उस वो ये पिछले कांग्रेस सरकार भी थे, आज हमारा प्रधानमंत्री एकदम अंधकार में है। आप कह रहे कि हाँ कृषि उत्पादन जो जो कृषक का जो आमदनी है ये दुगना होना चाहिए, फिर आप जिस तरह से जो सरकारी कार्यक्रम है जो गरीब लोग के, जो आप कहते हैं गरीबी कम करने के लिए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, इसका पैसा गरीबी दे रहे हैं। और आपने कुछ उदाहरण दिया, आपने कहा कि डीजल, जैसे जो एक कृषक डीजल खर्च होता है, ये डीजल का जो कर बैठता है टैक्स, आप हर साल आपका कुछ थोड़ा बहुत जमीन है आपको 6,000 रुपया मिल रहा है, मगर हर लीटर डीजल जो आप खरीदते हैं इसके ऊपर 45 रुपया 30 रुपया आप सरकार को देते हैं अलग तरीके का कर से।
जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब बीज के ऊपर, अब खाद के ऊपर, अब ट्रैक्टर के ऊपर, अब पेस्टिसाइड्स के ऊपर, इसके ऊपर आप एलपीजी सिलेंडर के ऊपर भी आपने दे, तो एक तरह से आपने बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल करके कहा कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स आर बीइंग फंडेड बाय द पुअर, यानी सरकार का जो कार्यक्रम है गरीब लोग के लिए, वो गरीब लोग खुद तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं। यही मैं आपको परंजॉय जी और सरकार से भी जब हम मिलते हैं यही सरकार को समझाने की कोशिश करते हैं कि गरीबी मिटाने के लिए आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पीएम किसान के लिए कुछ दे रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो क्या कहते सिलेंडर की कीमत बढ़ा रहा है, उधर फाइनेंस मिनिस्ट्री आप पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। मेरा मतलब एक डिस एग्रीगेटेड अप्रोच है। और मैं समझता हूँ ये जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं भारत सरकार के, उनका दायित्व होता है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उनका मैंडेट पढ़ेंगे तो उनका मैंडेट है कि सारों का एक जॉइंट व्यू, उनका कॉन्सेंट्रेटेड व्यू करके वो प्राइम मिनिस्टर को पेश करें। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के पास गवर्नेंस की प्रॉब्लम है और आपस में लोग डिस्कस नहीं हो रहा है किस बात पे क्या नतीजा पहुंचेगा। अल्टीमेटली इट इज अ फेलियर ऑफ थिंकिंग ऑफ गवर्नेंस एंड साइलो थिंकिंग है। सब अपने अपने घरों में शेर बने हुए हैं, अपने अपने घरों में जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मोदी जी को कुछ ना कुछ अपने सलाहकारों को घर भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजना चाहिए, नहीं तो ये मोदी जी को लेके डूब जाएंगे। मेरा ये मानना है कि द ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी कंट्रोल्ड। आपने बहुत बहुत सख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये अध्यादेश लाके कहा कि हमारे जो 1955 साल का जो पुराने कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये आवश्यक वस्तु के ऊपर जो कानून है ये हम हटा दिया, खत्म हो गया। अब कहा है कि कोई जो 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 कृषि क्षेत्र में जो ऐसा कुछ आप बनाते हैं जो हम कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स, इसका अगर कीमत 100% बढ़ जाता है तब सरकारी आ जाएगा, सरकार का नियंत्रण आ जाएगा। अगर नॉन पेरिशेबल आइटम्स है जो आसान से सस्ता नहीं, अगर 50% बढ़ जाता तो हम आएंगे। तो मेरा कहना यह कि सचमुच हमारा जो किसान है इनका क्या फायदा हो रहा है? सरकार कह रहे वन कंट्री वन मार्केट, एक देश एक बाजार, मगर हमारे देश में 80-84% जो कृषक है वो छोटे, इनके पास बहुत कम जमीन है, 2.5 एकड़ से भी कम है, बहुत सारे बटाईदार है, शेयर क्रॉपर्स है, बहुत सारे भूमिहीन मजदूर है। तो ये हमारा कृषि क्षेत्र का छवि है, पूरा अर्थव्यवस्था डूब रहा है, गिर रहा है, सिर्फ कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था में क्या करना चाहिए वो तो सरकार बताए क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें वोट दिया है। मैं तो किसान की बात रख के ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, और उनका इवैल्यूएशन आर्थिक विशेषज्ञ नहीं कर सकते, उसका इवैल्यूएशन उन स्कीम्स का किसान संस्थाएँ कर सकती हैं। सरकार को अगर सरकार ठीक समझे तो ये इवैल्यूएशन अगर सरकार करवाएगी तो सरकार को पता लगेगा कि उनकी स्कीम्स में क्या गलती हैं। और मैं बार बार परंजॉय जी सख्त शब्द आपको जरूर लगते होंगे मेरे शब्द सख्त हैं इंडियन एक्सप्रेस में, पर मैं समझता हूँ वो सख्त शब्द नहीं है। मैं सरकार की मदद कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ, उनको सच बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सरकार में है कि उनको कोई सच नहीं बता रहा है। और मैं इस अखबार के जरिए मैं सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हकीकत और कुछ है, आप संभलें। और सरकार अगर मोदी जी की, क्योंकि जो मोदी जी कर रहे हैं उसी पे देश की किस्मत निर्भर करती है, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी अच्छा करें तो इसी हिसाब से देश की किस्मत भी अच्छा करेगी। धन्यवाद अजय जी, आपने आपका सलाह भी भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री सुनेंगे नहीं, ये सिर्फ समय बताएंगे। आने वाले जो सांसद के बैठक शुरू होने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो आपने न्यूज़ क्लिक का दर्शक के साथ आपने बातचीत किया, ये पूरा जो हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है जो कृषि क्षेत्र का विषय है इसके ऊपर आपने बातचीत किया। धन्यवाद एक बार और आप सब देखते रहिए।